जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, जैसा कि कल मैंने भूगोल की क्लास स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने आप लोगों को भौगोलिक जानकारी के बारे में बताया था और ब्रह्मांड के बारे में बताया। जैसा कि उसमें मैंने आपको लिखाया था, जियोग्राफी का शब्द जो है, जियोग्राफी शब्द है जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी का जो अध्ययन है वही आपका जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है आपका भारत का भूगोल और दूसरा है विश्व का भूगोल। तो आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि इधर से प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। विश्व के भूगोल से एक या दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, पढ़ेंगे हम उसे भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, जिसमें ऐसे पेपर में से प्रश्न आपके फंस जाएँ। ठीक है, तो आज आप देख लीजिए, क्लास आपकी दो होने वाली है, जिसमें हम भारत के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल का परिचय और भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में से अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप इस क्लास में से अवश्य करके आएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। समझ गए आप, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? सातवां है। ठीक है, देख लीजिए, ये मैंने ट्रिक लिखी है। अगर आप इस ट्रिक से देशों को याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, रुक चीन, अब आया भारत। हमारा भारत किसी से कम नहीं है, तभी तो ट्रिक में भी बोल दिया है, रुक चीन, अब आया भारत। ठीक है, तो देखो, रूस है रूस। मैं अपने भारत की बात कर रही हूँ कि हमारा जो भारत है वो सातवें नंबर पर है, और आठवें नंबर पे एक और देश है, वो है अर्जेंटीना। ठीक है, तो आप आठ को याद रख सकते हैं। कल से कनाडा, कनाडा, और ये पूरा चाइना लेंगे हम, चीन, और से लेंगे अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से है ये। ठीक है, फिर है बसे ब्राजील, आप लोगों को दिख रहा है ना काफ़ी अच्छी तरीके से, और आ आ देख रहे हैं आप, आ से आपका ऑस्ट्रेलिया, ये जो या है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ट्रिक बनाने के लिए आया हमने बनाया है, और भारत अपना पूरा रहेगा, भारत में कोई काट पीट नहीं। हम भारतवासी हैं और हम भारत का नाम कभी भी झुकने नहीं देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है राज्यों की संख्या, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोगों को ये पढ़ना है भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, भौगोलिक जानकारी है तो हमें भारत की भौगोलिक जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम किसी कंपनी में जाते हैं या हमारी नौकरी लगती है तो हमारा इंट्रोडक्शन लिया जाता है ना, उसी प्रकार ये भूगोल का इंट्रोडक्शन है। ठीक, अब महाद्वीप, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। समझ गए, अब इन 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत इसी महाद्वीप का हिस्सा है, भारत जो है ना वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक, हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, साउथ एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। साउथ एशिया बोल लो या आप दक्षिण एशिया बोल लो, ठीक है, इसको कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। समझ गए ना, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है साउथ एशिया को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम लोग पढ़ लेते हैं भारत के
गोलार्द्र के बारे में, ठीक है, कि भारत हमारा किस गोलार्द्र में स्थित है। तो आप थोड़ा देख लीजिए, ये मैंने गोला बनाया है, ठीक है, और ये बोल रहा है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्द्र में स्थित है। जैसा कि डायरेक्शन के बारे में आप जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो भारत हमारा इस गोलार्द्र में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्द्र बोला है ना, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्द्र में स्थित है, ये आपको समझ आ गया। अब वो आपसे पूछेगा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे 181 है। और कुल अक्षांश व्रतों की संख्या पूछी जाए, अगर रेखाओं की संख्या पूछे तो 181, व्रतों की संख्या पूछी जाए तो इसमें से दो घटा दीजिए, 179, ठीक है। अब कुल देशांतर की संख्या पूछी जाए तो 360, ठीक है। अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप देख लीजिए, भारत के उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश राज्य है आपका भारत के उत्तर में, और दक्षिण में तमिलनाडु है, ये राज्यों की बात की गई है मेरे द्वारा। और भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, और भारत के पश्चिम में गुजरात है, ठीक है, समझ गए ना, ये राज्यों की बात की गई है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के बिंदुओं की, कि भारत के उत्तर में कौन सा बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, पश्चिम में कौन सा बिंदु है, पूर्व में कौन सा बिंदु है। तो आप देख लीजिए, भारत के उत्तर में इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में है, दक्षिण में कैप कुमेरिन है जो कन्याकुमारी में है, भारत के पूर्व में किविथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत के पश्चिम में आपका सरक्रीर है जिसे हम गोहार मोती भी कहते हैं, ये हमारे गुजरात में है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप देख लीजिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो आपकी 3214 किलोमीटर है, ठीक है, इधर से इधर तक लंबाई आपकी पूरी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी जाए तो 2933, पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपकी 2933 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपकी भौगोलिक जानकारी मैंने भारत की बता दी। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो आप देख लीजिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जान लीजिए। पेपर में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए, भारत की तटीय रेखा की लंबाई बताइए, और द्वीपों को मिलाकर तटीय रेखा की लंबाई बताइए, ये सब कुछ आपका पेपर में पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, और तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है, तो 7 देश है आपके, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में जो मेन है, भारत के पड़ोसी देश, उनके बारे में पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि साथियों मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ट्रिक के साथ पढ़ाने वाली हूँ, तो आप देख लीजिए, एक तरफ मैंने ट्रिक लिखी है और भारत से कितने देश की सीमा लगी हुई है, 7 देशों की सीमा लगी हुई है, तो आप देख लीजिए, ट्रिक है आपकी बचपन एमबीए, ये आपकी ट्रिक है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, एक तरफ देश लिखा है, लगने वाली सीमा की कुल लंबाई है ना, तो मतलब कि किस देश से कितनी लंबी सीमा लगती है, तो वो आप देख लीजिए,
वो आपको बताने वाली हूँ। सबसे कम सीमा किस देश से लगती है वो भी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो बसे आप देखोगे तो बसे बांग्लादेश है। बसे कौन सा देश है? बांग्लादेश है, जिसकी सीमा भारत से बहुत लंबी लगती है। कितनी लंबी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है, ठीक है। बसे बांग्लादेश, च से चीन, बांग्लादेश के बाद चीन की सीमा लगती है, ठीक है। ये नंबर वाइज लिखे हैं मैंने। फिर प से पाकिस्तान और न से नेपाल, म से आपका म्यांमार, बी से भूटान और ए से आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत से बहुत कम लगती है, 106 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगती है, ठीक है। समझ गए ना? देखो 7 देश हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ट्रिक है बचपन MBA, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाती है। तो आप देख लीजिए ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाती है, ठीक है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले मुझे ये उत्तर प्रदेश पता है कहाँ लिखना था? इसका जो आंसर है एग्जैक्ट, इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, समझ गए ना? थोड़े गोले बड़े हो गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गया है ना। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वह है अपना उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। यूपी GK तो हमने रट ही डाली है ना। तो 8 राज्यों को स्पर्श करता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को। 8 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। इधर मैंने राजस्थान को 2 बार लिखा था, फिर मुझे पता लगा कि भाई उत्तराखंड है, राजस्थान 2 बार नहीं हो सकता, ठीक है। अगला पॉइंट है 1914 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में एक रेखा खींची गई थी, उस रेखा को कहते हैं हम मैकमोहन रेखा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम लोगों को पढ़ना है पाकिस्तान के बारे में। सर्वाधिक जो सीमा लगती है राजस्थान राज्य की लगती है पाकिस्तान से, ठीक है। राजस्थान राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ठीक। 1947 में एक रेखा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक। और ट्रेन कौन कौन सी चलती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में? समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। अब एक बस सेवा भी स्टार्ट कर दी गई है जिसका नाम है शदा ए सरहद। क्या नाम है? शदा ए सरहद, जो कि भारत से पाकिस्तान के बीच में चलेगी, ठीक। अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लीजिए। 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई थी इसे हमने बोला ड्यूरंड रेखा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको पढ़ना है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का जो विभाजन किया गया था कब किया गया था? 26 मार्च 1971 को इसका विभाजन हो गया था और ये 26 मार्च 1971 को आज़ाद हो गया था। 26 मार्च को बांग्लादेश में बांग्लादेश दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति या संस्थापक कुछ भी बोल लो तो ये थे शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मैंने BSF लिखा है, BSF जो है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो रहती है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहती है और बांग्लादेश इनके बॉर्डर पर हमारी BSF रहती है। इन 2 देशों के बॉर्डर पर अपनी BSF रहती है, इस वजह से मैंने लिखा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन चलाई जाती है वो देख लीजिए, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब आपके ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इसलिए आपको बता रही हूँ, आज की क्लास के लास्ट पॉइंट हैं, ठीक है। कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल है, जो बांग्लादेश के साथ
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। साथियों, आपको आज की क्लास दो कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं आज रात 8:30 बजे लाइव सेशन के साथ। जय हिंद।